मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग MSME की जान तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। कोरोना काल में कृषि क्षेत्र के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान ODOP से जुड़े परंपरागत उद्यमों ने दिया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेश के साथ गांव के गरीब किसान महिला नौजवान को जोड़ने का कार्य कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने में जुटी है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 trillion करने का लक्ष्य तय किया है। इस कड़ी में हमें यूपी को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम तारामंडल स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क नुमाई ग्राउंड में आयोजित बड़ौदा यूपी बैंक के वृहद ऋण वितरण शिविर में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ODOP के जरिए MSME को कम पूंजी पर रोजगार की गारंटी है। इसके स्थानीय स्तर के परिणाम का पूरे प्रदेश में व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। बीते 4 सालों में प्रदेश सरकार ने 50 लाख MSME इकाइयों को बैंकों से लोन दिलाकर करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया है। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिणाम आया है। पहले जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें-6वें स्थान पर होती थी, अब दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय 45,000 से बढ़कर 95,000 पर पहुंच गई है। जल्द ही इस मामले में हम राष्ट्रीय औसत के बराबर होंगे। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में गांव लौटे प्रवासी परंपरागत उद्यमों से जुड़कर रोजी रोजगार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी MSME क्लस्टर बनाकर इन्हें रोजगार दिलाने का कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने दिवाली पर टेराकोटा शिल्पकारों के बढ़े व्यवसाय और उनके द्वारा कमाए मुनाफे का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 17.5 लाख अकेले गोरखपुर में है। इससे सरकार की योजनाओं की पूरी रकम का लाभ लोगों को बिना भ्रष्टाचार सीधे उनके खातों में मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज खुशी की बात है कि गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, मऊ आदि अनेक जिलों के 5,895 लाभार्थियों को 325 करोड़ रुपए का लोन बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा दिया जा रहा है। इससे ये लाभार्थी खुद उद्यमी बन कई लोगों को रोजगार भी देंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों को इन्हें ट्रेनिंग व बाजार दिलाने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी, ताकि अपनी पूंजी बढ़ाने के साथ ही ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बैंकों के CD रेशियो में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। हमारा लक्ष्य इसे 75% तक पर ले जाने का है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनसे बात कर लोन का सदुपयोग कर खुद व औरों को रोजगार के क्षेत्र में मजबूत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नुमाइश ग्राउंड में लगे 10 स्टालों का निरीक्षण भी किया और उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पाद व उसके बाजार के बारे में जानकारी लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र पाल, MD शिव सिंह यादव, GM ब्रजेश कुमार सिंह, MP सिंह आदि मौजूद रहे। और यही को बात फिर स्टार्ट करके संकल्पना रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के द्योतक उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिवादन आदरणीय अभिवादन बारंबार अभिवादन आदरणीय अभिवादन बारंबार के सानिध्य में जी प्रज्वलन के साथ आज शासन के यशस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम बड़ौदा यूपी बैंक द्वार तुलसी भीतर बारहू जो उजियार राम मंदिर का यह मॉडल 2020 को पूर्वांचल बैंक, रांची गोपनी संयुक्त ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सम्मेलन के पश्चात शाखाओं की संख्या में देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक के रूप में के अस्तित्व में आया है। हमारे बैंक का प्रधान कार्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त हम 5,825 CBS लेवल ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा का प्रदान कर रहे हैं।
फरवरी 2021 माह की समाप्ति पर हमारा कुल व्यवसाय 69,000 करोड़ का हो चुका है तथा उसमें जमा व्यवसाय 50,000 करोड़ से अधिक है तथा ऋण व्यवसाय हमारा 19,000 करोड़ से अधिक का है। पूर्वांचल सहित हमारे बैंक सेवा क्षेत्र में सरकार द्वारा तेजी से किए जा रहे ढांचागत विकास, रोजगार सृजन हेतु निरंतर उपाय, पर्यावरण उद्योगों के विकास के मूलभूत सुविधाओं के विकास क्षेत्र से के आर्थिक विकास के लिए नया अवसर लेकर आया। इसी का प्रतिफल रहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे बैंक ने 3,053 करोड़ से नया ऋण वितरण इस वित्तीय वर्ष में किया है। सरकार की प्राथमिकता प्राप्त ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करने का बैंक सेटअप तत्पर रहता है। इसी क्रम में कोविड-19 महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर की तत्काल सहायता को ध्यान में रखकर शुरू हुई पीएम समिति के अंतर्गत हमारे बैंक ने कुल 7,150 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 39,223 लाभार्थियों को 442 करोड़, ओडीओपी प्रोग्राम के अंतर्गत बैंक द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 247 लाभार्थियों को 12 करोड़, पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 121,984 लाभार्थियों को 1683 करोड़ का वित्त पोषण किया गया है। इसी वर्ष पीएमबीजेपी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 995 लाभार्थियों को 87 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 278 लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ का ऋण मुहैया कराकर और तथा स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत 446 लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष में हमने 76 करोड़ का ऋण मुहैया कराकर उनको स्वावलंबी बनाया जा चुका है। आज के इस मेगा ग्रेड कैंप में हमारे बैंक की सभी शाखाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमें बहुत ही हर्ष के साथ मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हमने जो इनिशियल टारगेट रखा था इस मेगा ग्रेड कैंप में 201 करोड़ का, लेकिन बहुत ही हर्ष की बात है सर कि हमने लगभग 28,458 लाभार्थियों को 201 की जगह 437 करोड़ का ऋण वितरण इस फरवरी माह के मंथ में किया है, जिसमें लगभग 20,175 किसान जिनको 211 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि संबंधी अन्य कार्य जैसे ट्रैक्टर डेयरी या कृषि उपकरण हेतु 588 किसानों को 9 करोड़, 675 स्वयं सहायता समूह को 4 करोड़, एमएसएमई में 4,152 यूनिट ग्राहकों को 71 करोड़, पीएम समिति में 734 ग्राहकों को 44 लाख रुपए, इसके अतिरिक्त रिटेल लोन जैसे आवास और कार लोन में 1,885 लाभार्थियों को 123 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। 2 करोड़ का मेगा कैंप हम लोग लगाना चाह रहे थे, 437 करोड़ बांट रहे हैं। मैंने अभी बात करी हम लोगों ने कि अब जब दोबारा हम लोग अनुग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये मेगा कैंप का आकार 1100 करोड़ का होगा। अगला मेगा कैंप 1100 करोड़ का होगा और इससे भी बड़ा होगा। यही हमने लोग नहीं रुकेंगे, पूर्वांचल के किसानों की आय दोगुना करना जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, और SLBC में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश मिलता रहता है कि जो पूर्वांचल के किसान हैं जिनका ऋण जमा अनुपात कम है, उनका ऋण जमा अनुपात हमें राष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचा ले जाना है। इस संकल्पबद्धता और इस वचनबद्धता को स्वीकार करते हुए, दिन रात एक करते हुए हम लोग ऋण मेला की जो सातत्य है, इसकी अतिजीविता है और इसकी गतिशीलता है, इसको बनाए रखेंगे। भविष्य में जो GLG स्वयं सहायता समूह इन्हें मिला करके और मुद्रा योजना को डबटेल करके इसे रोजगार के सृजन क्षेत्र में काम करेंगे। ODOP और निर्यात उन्मुखी कृषि के साथ साथ पूर्वांचल का कोई भी किसान, आज से ही हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा, उसे हम संतृप्त करेंगे। साथ ही साथ जो अगला क्रेडिट कैंप का प्लान है उसमें रोजगार मेला होगा। रोजगार मेले में बैंक, उद्यमी, बाजार एक साथ लाकर के आर्थिक धुरी के पहिए को तेजी से घुमाना है। कुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा
और मार्गदर्शन से जो ऐतिहासिक कार्य बैंकिंग क्षेत्र में हुआ था, हम लोगों ने कोई भी अखाड़ा ऐसा नहीं था जिसके की जिसे की एटीएम तक जाना हो, वहीं पे बैंक कर्मी लगा दिए थे। तो वही स्थिति पूरे प्रदेश में हम लोग लाना चाह रहे हैं जो ऐतिहासिक काम हम लोगों ने कुंभ में किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा और आशीर्वाद के लिए मैं दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज के 3 साल पहले इसी बैंक का यही रेशियो 45% हुआ करता था। तमिलनाडु का बैंक का रेशियो क्रेडिट बैंक डिपॉजिट रेशियो 112% होता है। आंध्र प्रदेश का रेशियो 85% होता है। महाराष्ट्र का रेशियो 97% होता है। अर्थात वहां जितना पैसा बैंक में जमा होता है, हमारे बैंक के अधिकारी करीब करीब उतना ही पैसा नागरिकों में वितरित करते हैं, और पैसा जब नागरिकों में उद्यमियों में जाता है, उद्योगपतियों में जाता है, तो विकास का वाहक बन करके इस देश के हर नागरिक की रक्तवाहिनियों में बहने का काम करता है। और इसलिए जो पिछले 65 सालों से इस देश में नहीं हुआ, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं सम्मानी श्री मोदी जी, और जब से 2017 से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, जिस चीज पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, वो जो सामाजिक विषमता है, वो जो आर्थिक विषमता है, वो जो गरीबों तक हमारे अर्थतंत्र की पहुंच कम हुई है, उस पहुंच को दूर करने को, उस पहुंच को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए हमें याद है 2014 में जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जो सबसे पहला उन्होंने इस देश में कभी नो प्रयास किया वो जनधन योजना का था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं तकरीबन 40 करोड़ नागरिकों के पास जनधन कार्ड होंगे और तकरीबन 1,00,000 करोड़ से अधिक धन उनका बैंकों में जमा होगा। बैंक की पहुंच कैसे बढ़े, बैंक गरीबों को किस प्रकार से बेहतर रूप से संवितरण कर सके, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वो उद्यमी जो अर्थाभाव में अपने अंदर क्षमता होते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, उन्हें अर्थसारथी कैसे बनाया जाए, इस काम को अगर किसी को करना है तो बैंकों को ही करना होगा। हमने 3 बैंकों को अगर माननीय मोदी जी ने मिलाया है तो उसकी दृष्टि बहुत साफ है। बड़े बैंक होंगे, प्रशासनिक क्षमता अधिक होगी, लागत घटेगी, आय बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम संवितरण बेहतर करने पाएंगे। और इसलिए हर बैंक का यह दायित्व है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 31 जिलों के बैंक का तो यह बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमी हैं। पिछले 4-5 सालों में हमारी सरकार ने यह दिखाया है कि हमें अगर अवसर प्रदान किया जाए तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिक विकास की दृष्टि से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को कौन कहे, पूरे देश में कहीं किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है, हम भी आगे बढ़ करके इस देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। भ्रता जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने जिस बात को कहा वो अभी सही है, और डॉक्टर राधामोहन जी जो बात कह रहे थे वो भी सही है, लेकिन इतना तो है इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने ऋण दिया था लेकिन टेलीफोन पर दिया था, लोगों को दिया था। और कुछ संख्या ऐसी भी खड़ी किया था जो बैंकों से पैसा लेकर के एनपीए के रूप में खड़े हो जाए, भारत में पैसा ले और भारत के बाहर जाकर के विदेश में अपना व्यापार करें। इनका पैसा उनके खाते में गया और जाकर के वो नीरव मोदी जैसे लोग जाकर के बाहर में बैठ गए। अब वो नहीं हो रहा है। अब आज जब एक उत्साह के साथ योगी जी यहां आए हुए हैं, इसी नाते मैंने कहा कृतज्ञता ज्ञापन करने का समय है कि आज एमएसएमई के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन भारत सरकार ने करने का काम किया है, और अभी कुछ देर पहले जब मैं चर्चा कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात
प्रोडक्ट की बात जिस प्रकार से घर घर में पहुंच गई कि आज एमएसएमई के आधार पर ही लोगों को ऋण मिलने का काम कर रहा है, चल रहा है, लोग ऋण ले लेंगे और ऋण लेकर के उनका घाटा नहीं होगा, बल्कि नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन जाएंगे। वही एक व्यक्ति को रख सकते हैं, पांच व्यक्ति को रख सकते हैं, दस बीस व्यक्ति को रख सकते हैं, अपनी पूंजी जो बैंकों से पाया है और अपनी लगा कर करके वह छोटा ऐसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं जिसे अपने पूंजी के आधार पर बैंकों दिए गए इस कर्ज के आधार पर लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही। उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले चलो, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के नहीं बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि अपने घर में बैठा हुआ भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वह छोटा छोटा कारोबार कर करके और ये बताए कि मैं विश्वास के साथ कहे कि मैं यह कर रहा हूं और उस गांव के लोगों का यह कर्तव्य करे कि अपने यहाँ के बने हुए सामान को, उस लोकल सामान को वोकल फॉर लोकल बनाए। उसका कहे कि मेरे गांव का बना हुआ सामान है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस सामान को उत्साह के साथ बताए, बाजार दें। भारत सरकार इसके लिए सन्नद्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके सन्नद्ध के लिए इसके लिए सन्नद्ध है और निश्चित रूप से इसके लिए कार्य कर रही है। इस नाते धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह इस कार्यक्रम में आकर के कभी कभी की ऐसी भी स्थिति आती है कि लखनऊ में बैठ करके कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं, दिल्ली में बैठ करके बढ़ते हुए भारत के विकास को देख करके इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भारत के प्रधानमंत्री जी भी उनको सहयोग देते हैं, दोनों मिलकर के नए भारत को बना रहे हैं, नए प्रदेश को बना रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, फर्क इससे पड़ता है कि हम जिस देश की जनता ने, जिस प्रदेश की जनता ने हमें अपनी बहबूदी के लिए भेजा है, लखनऊ में बिठाया है, दिल्ली में बिठाया है, कौन क्या कहता है, इसको दरकिनार करते हुए उसकी बहबूदी के लिए कार्य करो, उसके सेवा के लिए कार्य करो। हमें यही मत मिला है कि हम लोगों की सेवा करें और वह सेवा का एक बहुत बड़ा भाग इससे हो सकता है जो आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को ऋण देकर के करने जा रहे हैं। मैं इस मंच से निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आज जितने लोगों को भी, जिन लाभार्थियों को मिल रहा है ऋण, बैंक के लोग इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाए कि छोटे छोटे पैमाने पर भी उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। कारण ये है, वह एनपीए धारक नब है, जिनको बनना था बन गए, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन ये लोग भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा अगर गिरवी बनेगी तो भारत की ऋण बन जाएगा। इस तरह इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऋण को दीजिए लेकिन ऋण को सतत चलाते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। वह कभी भी यह महसूस न करे अगर मैंने थोड़ा सा ऋण लिया है तो आज मैं कर्जदार होकर करके और मेरे पास की मेरी पूंजी खत्म हो गई, उस पूंजी की तरफ भी हमेशा बैंक का ध्यान रखना रहना चाहिए। उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और जो लिए है उससे अपने को बढ़ाते रहे, अपने व्यवसाय को बढ़ाते रहे, स्वयं पुष्ट हो और दो चार लोगों को और जोड़ कर करके जिनको नौकरी देने वाले के रूप में उनको भी बढ़ावे। मैं आज एक बार पुनः
माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इतने लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए और उन लोगों को जवाब देने के लिए जो लोग कहते हैं कि रोजगार कहाँ है, आज इस मंच से यह लग रहा है जब हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार यहाँ है, जो बैंक दे रहे हैं उससे वह आगे बढ़ेंगे, दो चार को और रोजगार देंगे। ये रोजगार होता है, रोजगार वह नहीं होता है किसी एक को नौकरी दे दिया, फैक्ट्री बंद हो गई, फिर वह अपने घर आ गया। रोजगार ये होता है कि अपने घर पर बैठ करके भी चार लोगों को रोजगार देकर के उनको पुष्ट कर रहे हैं। यह व्यवस्था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, जिसको निश्चित रूप से कह सकता हूँ अत्यंत तीव्रता के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा रहा है, मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। धन्यवाद। इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से। इसी कड़ी में चेक के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से ऋण वितरित श्रीमती शकुंतला कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रशस्ति करने के लिए चेक श्रीमती शकुंतला जी को दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से इधर घूम जाइए ऋषि कुमार एन एम आर वाई योजना के अंतर्गत वेल्डिंग रेडीमेड गार्मेंट्स हेतु पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत पावर फ्लोर मशीन एमएमआरवाई स्कीम के अंतर्गत मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नगर से एग्रीकल्चर हेतु किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत दो फोटो कर दिया जाता हो। नेक्स्ट श्री नारायण जी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर हेतु सांसद जयप्रकाश मिश्रा जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल गोवर जी, महानिदेशक जेएफ श्री शिव सिंह यादव जी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के मंडलायुक्त एडीजी पुलिस जिलाधिकारी और अन्य सभी हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, बैंक के अधिकारीगण, उपस्थित सभी लाभार्थीगण, भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के इस कार्यक्रम के साथ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को जोड़ने के लिए नया बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में 2014 के बाद एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में वहां की मांग के अनुरूप उस प्रकार की योजनाओं को सही मायने में क्रियान्वित करवाने के लिए जो कार्य योजना तैयार की थी, आज उसका स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस एक फील्ड ने हम सबको एक नया सपोर्ट दिया, कृषि के बाद अगर वह क्षेत्र था
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कम पूंजी में रोजगार की गारंटी और स्थानीय स्तर पर बृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जो बेहतर प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखा, 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। एक, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बेरोजगारी कम हुई। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज से 4 वर्ष पहले तक देश के अंदर एक धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में विकास की सोच नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में एक धारणा थी कि वहां पर एक सामान्य नागरिक वहां पे काम नहीं करना चाहता, वह दूसरे राज्यों में भले ही कोई कार्य प्रारंभ कर ले लेकिन लोकल स्तर पर वह किसी भी कार्य को हाथ नहीं देना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, बैंक उसे लोन नहीं देना चाहता है क्योंकि बैंक को भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं जो पूंजी हम देंगे सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। और इस बात का एक जो संशय था, देखा 4 वर्ष के अंदर ये दूर हुआ। बैंक आम जनमानस से, आम उद्यमी से, आम किसान से, युवा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया और तेजी के साथ जो परिवर्तन सामने आए, आज उसका परिणाम था कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके बारे में धारणा थी कि आबादी सबसे बड़ी, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात आती थी तो यह 5वें 6वें नंबर पर इसकी बारी आती थी। आज मुझे प्रसन्नता है 4 वर्षों के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और तेजी के साथ इस अर्थव्यवस्था की मजबूती ने प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी की है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 वर्ष पहले प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 थी, आज इस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 95,000 तक पहुंची है और मेरा अनुमान है कि यह स्थिति बनी रहे तो हम लोग इसको नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय एवरेज के अनुरूप उसको हम लोग पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वह जो बैंकों ने यहां पर इस लोन मेले के माध्यम से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि उपकरण के वितरण के लिए, डेयरी और पोल्ट्री फार्म के लिए, ट्रैक्टर के लिए, एसएससी के लिए, ओडीओपी के लिए, एमएसएमई यूनिट के लिए और भी अन्य जो इस प्रकार के अलग अलग कार्य जो छोटे स्तर पर हो सकते हैं, और इसलिए प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार की तर्ज पर, आप याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जनधन अकाउंट प्रारंभ किया था, इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री स्टार्टअप की नीति, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की नीति को प्रारंभ आगे बढ़ाया था और फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ उसकी अलग अलग कैटेगरी को शिशु, किशोर और तरुण के रूप में आगे बढ़ा करके देश के युवाओं को, देश के एमएसएमई उद्यमियों को बैंकों के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ किया था। इसके मेले लगाए गए थे, एक अभियान चला था पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश ने जब इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ किया, आज उसके बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट धारी है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में भी इनकी संख्या, अकेले अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में लगभग 17.5 लाख से अधिक हम लोगों ने जनधन अकाउंट
अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर खोले गए हैं, यानी 55 लाख की आबादी के जनपद में 17.5 लाख से अधिक केवल जनधन अकाउंट धारी, ये 2017 के बाद 2014 के बाद ये अकाउंट अलग अलग वर्षों में खोलते रह गए और इनको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्य जनपद के अंदर इस दौरान हुआ है। आपको याद होगा कोविड-19 के दौरान जनधन अकाउंट धारी हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए हर माह 3 महीने तक उनके अकाउंट में देने का काम भी किया था, जिससे वो अपने सामान्य जरूरतों की पूर्ति उसके माध्यम से कर सके। और आज इन अकाउंट का सबसे अच्छा बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले किसानों को प्राप्त हो रहा है। ये अकाउंट धारी जो भी है, चाहे वो किसी भी योजना से है, शासन की योजना जब डीबीटी के माध्यम से उसके पास जाती है तो भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त होकर के पूरी की पूरी पूंजी लाभार्थी के पास जाती है और लाभार्थी उस पूंजी का उपयोग अपने स्वयं के आर्थिक उन्नयन के साथ साथ अपने व्यवसाय को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में कर सकता है। और यही कार्य हम लोगों ने जहां प्रधानमंत्री पीएम योजना के माध्यम से जनधन अकाउंट के माध्यम से प्रारंभ किया, वही कोविड-19 के दौरान पीएम स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को भी उपलब्ध करवाने में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर में 15,898 आवेदनों के सापेक्ष 12,872 को के ऋण आवेदन पत्रों में उन्हें स्वीकृति दे करके वहां पे ऋण वितरण की कार्रवाई हो रही है। और मैं चाहूंगा कि इन सभी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स ने स्वनिधि योजना के अंतर्गत इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल हम व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था करें, बल्कि इनको बैंकों के साथ जोड़ करके इन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना, ट्रांजेक्शन जो भी हो और डिजिटली हो सके इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, और वह पूंजी वह बराबर जैसे ही उनके पास पैसा आए प्रतिदिन उस पैसे को वह बैंकों के साथ डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे, तो एक बहुत बड़ा कार्य उसको अतिरिक्त लाभ इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इन योजनाओं का लाभ हमें देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी से जुड़े हुए और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए भी तमाम लाभार्थी इस ऋण मेला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। एमएसएमई की जान है एक जनपद एक उत्पाद की योजना। गोरखपुर में हमने टेराकोटा के लिए गोरखपुर का चयन किया है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का टेराकोटा इस बार जब हम लोगों ने दीपावली का आयोजन किया था तो गोरखपुर के टेराकोटा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो गांव हैं, जो उद्यमी हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में काम करके अपनी कला के माध्यम से अपने हस्तशिल्प के माध्यम से दीपावली के अवसर पर अच्छा मुनाफा भी कमाने का कार्य किया था। और ऐसे ही हर जनपद के लिए हम लोगों ने इस राशि का बेहतर उपयोग किया था। आज यहाँ पर मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर से 5,895 लाभार्थी आज इस बृहद ऋण मेला के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित होकर के लगभग 325 करोड़ रुपए के ऋण को प्राप्त करके केंद्र और प्रदेश सरकार के वित्तीय समावेशन के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार की प्राथमिकता, में जब किसी युवा से मिलता हूँ तो अधिकतर युवा इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। कोविड-19 के दौरान मैं इस बात को महसूस किया कि जो लोग यहाँ पर प्रवासी कामगार बनकर के आए थे, जिनकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले उत्तर प्रदेश इन्होंने छोड़ दिया था, वे लोग जब उस क्षेत्र में उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हुआ तो वापस उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए जब प्रस्थान किया तो प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने में
हमारे परंपरागत उद्यम ने और प्रदेश के अंदर स्थापित जो एमएसएमई क्लस्टर है, इन्होंने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। और मैं आज जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के हमारे बैंकों के नोडल अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक भी हैं, और प्रदेश के हमारे डीआईएफ श्री शिव सिंह यादव जी भी हैं, मैं इन सबसे ही कहना चाहूंगा कि लोन देने के साथ साथ इनकी इनिस्टिट ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जिस कार्य के लिए उन्हें लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, उस फील्ड में उनके अपने अनुभव होंगे, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान से भी अवगत कराना पड़ेगा, और साथ साथ मार्केट के साथ जोड़ करके अगर हम उन्हें एक व्यवस्थित ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे तो छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। ये पूंजी उस व्यक्ति के न केवल आर्थिक उन्नयन और स्वावलंबन का आधार बनती है, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश ने विगत 4 वर्ष के दौरान अगर उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के हब के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है तो इसके पीछे प्रदेश के परंपरागत उद्यम का एक बड़ा रोल इसके पीछे है, और खासतौर पर हमारी जो एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना है, जो आज देश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है, उस योजना को जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, यही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है, और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी उर्वरा भूमि है, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ हर एक किसान को जोड़ना, इसके माध्यम से किसान को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने में सहायता देना, पीएम किसान योजना ने इसमें किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में योगदान तो दिया ही है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ट्रैक्टर है, जेसीबी है, कंबाइन मशीन है, ये सभी किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। खेती के समय वह ट्रैक्टर का उपयोग खेती में करेंगे, शेष समय में उसका उपयोग तमाम अन्य कारोबार में भी कर सकते हैं, और यह अभिनव योजना किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, एमएसएमई यूनिट में काम करने वाले लोगों के लिए और अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए तैयार नौजवानों के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर प्रदेश के जो भी हमारे बैंक हैं उन सबसे इसी बारे में कहूंगा, हमने हर जनपद से भी कहा है कि हर महीने इसकी एक समीक्षा जनपद स्तरीय जो बैंकर्स कमेटी है उसके द्वारा भी की जानी चाहिए, हम राज्य स्तर पर स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनके साथ में हम लोग बैठते हैं, और बहुत स्पष्ट है कि युवाओं को, उद्यमियों को, किसानों को जहां कहीं भी किसी कार्य के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, उसके बारे में उनकी पूरी ट्रेनिंग कराना, उनको पूरी जानकारी देना, उस फील्ड में उसे पारंगत करना, और फिर उनके आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में हमें एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बैंक इसमें रुचि ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ये बैंक का जो सीडी रेशियो है इसमें पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, और आज लोग भी उस दिशा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले लोग बैंकों के साथ तो जुड़ना नहीं चाहते थे, न पैसा जमा करने के लिए और न ही बैंकों से लोन लेकर के इस वित्तीय समावेशन के साथ जुड़ करके स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने में रुचि कम थी, लेकिन विगत 6 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की योजनाओं ने, जनधन अकाउंट ने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, पीएम स्कीम ने, या फिर पीएम स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजनाओं ने इस दिशा में काफी जागरूकता का काम किया है, और कोरोना कालखंड के दौरान तो ये योजनाएं बहुत ही लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे प्रदेश के अंदर जमा पूंजी के सापेक्ष जो लक्ष्य होना चाहिए हमारा, हम लोगों ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 51% से बढ़कर के पहले चरण में 60% तक, फिर 60 से हम इसे 75% तक सीडी रेशियो को प्रदेश के अंदर कैसे ले जा सके,
हर एक बैंक के लिए एक टारगेट तय होना चाहिए और उस टारगेट के अनुरूप अगर हम इसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही प्रदेश एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प है कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। एक बार फिर से आज के इस बृहद ऋण मेला के लिए मैं यहाँ पर अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और इस फील्ड में कार्य करने वाले सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बैंकों से जो पैसा लिया है हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएं और उस पूंजी को समयबद्ध ढंग से अगर बैंकों में जमा करेंगे तो आपको आने वाले समय में उससे ज्यादा ऋण उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।